अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। इस ब्रह्म विद्या के आलोक में, इस विहंगम योग के आलोक में ही मानव का जीवन सुखद बनता है, समृद्ध बनता है। मानव को दिशा बोध प्राप्त होती है। मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। वह अपने जीवन का समुचित विकास करता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका बोध यही ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है, जिसके माध्यम से हम लौकिक उन्नति को प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जहां लोक सुधरता है, वहीं पारलौकिक जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है, परम श्रेष्ठ हो जाता है। तो ब्रह्म विद्या सर्वांगीण विकास का मार्ग है। मानव के सर्वांगीण विकास का कार्य ये ब्रह्म विद्या करती है, ये विहंगम योग करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था, परम आनंद का अनुभव, समस्त दुखों से सर्वथा रहित होकर तापों को योगाग्नि में नष्ट कर कैसे साधक अंतर जगत में प्रवेश करता है, ये जो ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है, ये अपने भीतर उतरने का मार्ग है, अंतर यात्रा का नाम है। और स्वयं को पहचानने की यह विद्या है, स्वयं को पहचानने का यह मार्ग है, स्वयं में प्रतिष्ठित होने का यह विशेष चेतन मार्ग है, जिसके द्वारा हम स्वयं का बोध प्राप्त करते हैं, स्वयं का परिचय प्राप्त करते हैं। आत्मा क्या वस्तु है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति होती है, उसका आनंद प्राप्त होता है, उसका अनुभव प्राप्त होता है। जिस प्रकार ये परमात्मा नित्य अनादि सत्ता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है वह भी नित्य अनादि वस्तु है। ये जो प्रकृति है ये भी नित्य अनादि तत्व है, किंतु यह जड़ है। अक्षर ब्रह्म एक सत्ता है, वह भी नित्य अनादि सत्ता है, चेतन सत्ता है। काल की भी एक सत्ता है जो नित्य अनादि सत्ता है,
जो सत्ता जड़ और चेतन से भिन्न सत्ता है, उसका भी नाश नहीं होता और सद्गुरु की भी सत्ता है जो नित्य अनादि सत्ता है, जिसका भी कभी नाश नहीं होता। तो ये छह प्रकार के पदार्थ हैं जिनका कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो सत्ताएं नित्य अनादि षट पदार्थ के नाम से स्वर वेद में विहंगम योग के प्रणेता ने अभिहित किया है, तो ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये समस्त पदार्थ काम कर रहे हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे पहाड़ नदियां जंगल पर्वत ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है, सबका स्वामी है, सबका नियंता है। हरिहर समाया हरियालियों में वही झूमता है, झुकी डालियों में पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो ईश्वर की सत्ता विश्वव्यापी सत्ता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त वह चेतना है, विभू चेतना है, व्यापक चेतना है, विराट चेतना है। जिस प्रकार परमात्मा चेतन है, वैसे हम भी चेतन हैं, हम आत्मा हैं। इच्छा ज्ञान और प्रयत्न ये चेतन स्वाभाविक धर्म है हमारे। अब प्रकृति का संयोग है, प्रकृति से संबंध है, तो सुख दुख और द्वेष की अनुभूति भी हो रही है। तो हम भी चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है, हम बस केवल शरीर तक सीमित हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना केवल शरीर तक सीमित है और वह परमात्मा असीमित है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है। हम अणु चेतना है, हम शरीर तक सीमित हैं और वह सत्ता असीमित है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है, वो विभू चेतना है, हम अणु चेतना है। हम अणु हैं, हम शरीर में सीमित हैं
और वह सत्ता संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो सृष्टि का निमित्त कारण है, एक और कारण है जिस कारण को उपादान कारण कहते हैं, वह प्रकृति है। कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो प्रकृति भी वह उपादान कारण है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। प्रक्रियते अनेति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बनता है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि और प्रलय प्रकृति का धर्म है। सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चल रहा है, ये सब प्रकृति का धर्म है। वह जड़ शक्ति है, लेकिन चेतन शक्ति के द्वारा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये समस्त क्रियाएं घटित हो रही हैं। एक और कारण है जिस कारण को साधारण कारण हम कहते हैं। इस सृष्टि के पीछे कितने कारण हैं? तीन कारण हैं। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। तो सृष्टि के पीछे कितने कारण हैं? तीन कारण है। एक निमित्त कारण है ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति, और जो साधारण कारण है वह जीवात्मा है। समस्त जीव जगत है, प्राणी जगत है, हम आप भी सृष्टि के कारण हैं। हम आप सभी भी इस सृष्टि के एक कारण है, किंतु हम सामान्य से कारण है, हम साधारण कारण है। तो सृष्टि के कारण तो तीन है, चलिए इतना समझ में तो आ गया। एक निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, और साधारण कारण हम आप सभी जीवात्माएं हैं, समस्त प्राणी जगत है। अब प्रश्न है कि सृष्टि बनी क्यों है? सृष्टि के पीछे क्या प्रयोजन है? क्या रहस्य है? कारण तो चलो समझ में आ गया, एक निमित्त, एक उपादान और एक साधारण। परमात्मा निमित्त है, प्रकृति उपादान है, और जीव साधारण कारण है। किंतु इसके पीछे प्रयोजन क्या है? इस सृष्टि के पीछे कौन कौन से उद्देश्य कार्य कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा कि प्यारे, इस सृष्टि के कारण तो तीन हैं, लेकिन प्रयोजन मात्र दो है। हाँ, मात्र दो प्रयोजन है इस सृष्टि के पीछे। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। यह
ये मात्र यही दो प्रयोजन काम कर रहे हैं, एक भोग का और दूसरा अपवर्ग का, मोक्ष का। यही यही दो प्रयोजन है इस सृष्टि के पीछे। भोग से क्या तात्पर्य है? प्रारब्ध कर्मों का फल, बंधन, इसे ही भोग कहते हैं, जो मानव प्राप्त करता है। क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है और अपवर्ग मोक्ष के लिए भी प्राप्त हुआ है। ये दोनों बातें हैं ना। मनुष्य से इतर जितने अन्य योनियों वाले हैं, अन्य प्राणी हैं, उनका मामला तो केवल भोगों तक है। वे तो केवल प्रारब्ध को ही भोगते रह जाते हैं, केवल भोगों में ही आबद्ध होकर रह जाते। आत्मा की उन्नति का कोई साधन मानव से इतर अन्य शरीर में उपलब्ध नहीं है। आत्मा की उन्नति एकमात्र इसी मानव शरीर के माध्यम से होती है। मानव शरीर से भिन्न अन्य कोई योनि है तो वो आत्मा की उन्नति का कोई मार्ग नहीं है। इसी शरीर के माध्यम से आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त करती है। तो पहला प्रयोजन बतलाया ऋषियों ने कि इस सृष्टि का वह भोग का प्रयोजन है, भोग प्राप्त हो जाए, प्रारब्ध कर्मों का फल प्राप्त हो जाए, ये एक प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन कहा कि अपवर्ग प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, परमानंद प्राप्त हो जाए, आत्मा उस असीम आनंद का, शांति का अनुभव कर ले, विरहीन आत्मा अपने प्रिय सखा उस परमात्मा के आनंद का अनुभव कर ले। हाँ, अपवर्ग प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसीलिए ये सृष्टि बनी है। इतना इतना बड़ा सारा ये खेल रचा गया है किस लिए? तो केवल दो ही तो बातें हैं, एक वो प्रारब्ध कर्मों का फल भोग प्राप्त कर ले, कुछ नए उत्कृष्ट कर्म कर ले और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाए, परम आनंद को वह प्राप्त कर ले, परमानंद का अनुभव कर ले। अणु चेतना, उस व्यापक चेतना, उस विराट चेतना के साथ जुड़ जाए। विरहीन जो आत्मा है अपने प्रिय सखा उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करे, उसके गुण धर्म स्वभाव को प्राप्त करे। क्योंकि चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की भक्ति करता है, चेतन आत्मा के द्वारा ही चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सृष्टि के कारण तो तीन है, निमित्त, उपादान और साधारण, किंतु प्रयोजन मात्र दो है, भोग का और अपवर्ग का, मोक्ष का। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा वह परमानंद प्राप्त होता है, उस परमानंद का अनुभव आत्मा प्राप्त करती है, उस असीम आनंद का अनुभव आत्मा को होता है। सीक बूंद सम जगत सुख कषा समुंदर जान, परमानंद को किम कहूं शक्य वचन नहीं ज्ञान। संसार का सुख तो एक तृण के एक बूंद के समान है, और जो कषा का आनंद है, जो परमानंद है, वो तो समुद्र के समान है। तो इस प्रकार
हमारी आत्मा उस परमानंद के आनंद का अनुभव करती है। ये ब्रह्म विद्या का क्षेत्र है। ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि कैसे आपको वह परम आनंद की उपलब्धि होगी, कैसे आप सर्वप्रथम मन को नियंत्रित करेंगे, किस प्रकार आप मन को भीतर में रोकेंगे, किस प्रकार मन को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, किस प्रकार मन जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ उसे लीन भी करेंगे, स्वयं का दर्शन प्राप्त करेंगे, अक्षर का प्रकाश प्राप्त करेंगे, आत्मदर्शन के पश्चात किस प्रकार उस परमानंद का आनंद प्राप्त करेंगे, ये तो ब्रह्म विद्या बतलाती है, यही तो विहंगम योग बतलाता है। चेतन चेतन का योग है, चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। तो ये चेतन चेतन का योग है, जड़ और इस इंद्रियों के क्षेत्र से चेतना ऊपर हो जाती है। किस प्रकार शरीर में रहते हुए हम अपनी चेतना को एक दिव्य मंडल में स्थिर करें, यही तो ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है। यह असीम शांति का मार्ग है, अंतर यात्रा का मार्ग है, आंतरिक आनंद की अनुभूति का यह माध्यम है। स्वर वेद इसमें सहायता उत्पन्न करता है। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के अनुभव में वृद्धि होती है। जब हम साधना के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ कर लेते हैं तो इससे जो भी सिद्धांत है वह साधना में घटित होने लगता है। कितने व्यक्ति स्वर वेद का पाठ करते हैं, हाथ उठाएं, जरा मैं जान लूं, देख लूं, हाथ नीचे करिए। सबको करना है। स्वर वेद ब्रह्म विद्या का प्राण तत्व है, विहंगम योग की आत्मा है। ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, विहंगम योग का प्रचार हो, इसीलिए स्वर वेद की रचना की गई है। तन मन की कलुषता को यह स्वर वेद दूर करता है और आत्मा के उत्थान में, आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। अनेक साधक जब स्वर वेद पढ़ते हैं उनके अंदर कंपन होता है, हाँ, थर्राहट होती है, चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है। ये ताकत सद्गुरु की इन वाणियों में है, सद्गुरु की इन वाणियों में अथाह शक्ति है, जो साधक की चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाती है, साधक की चेतना को अपने प्रदेश में स्थिर करती है, अपने मंडल में स्थिर करती है। चेतना का विकास स्वर वेद के माध्यम से होता है। जो ध्यान के अनुभव बढ़ जाते हैं, स्वर वेद का पाठ ध्यान के अनुभवों में वृद्धि को उत्पन्न कर देता है। तो विहंगम योग की आत्मा है, विहंगम योग का प्राण तत्व है। शून्य शिखर आश्रम हिमालय में विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने इस महानतम आध्यात्मिक सदग्रंथ का सृजन किया, जिससे मानव सदैव ब्रह्म विद्या की ज्ञान ज्योति से प्रकाश प्राप्त करता रहे। स्वर वेद ब्रह्म विद्या की ज्ञान की गंगा है, ब्रह्म विद्या की ज्योति है,
यह विहंगम योग का प्रकाश है। तो आज दूसरे दिन की यह आध्यात्मिक सभा स्वर वेद के इन्हीं दिव्य स्वरों के साथ प्रारंभ होती है। तन्मय होकर सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये अनुभव पूर्ण वाणी है। आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त पुरुष के जो उपदेश हैं वही प्रामाणिक हैं। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे।
इन वाणियों में ईश्वर का अद्भुत प्रकाश वर्णित हुआ है कि वह ईश्वर करता है, धरता है, नियमन करने वाला है, साक्षी है, कर्मों का अध्यक्ष है। हमारे आपके कर्मों को जानने वाला है, कर्मों का स्वामी है। क्लेश कर्म विपाकाशायैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो स्वयं क्लेश कर्म विपाक और उसके आशय से सर्वथा भिन्न है, लेकिन सबके कर्मों को वो जानता है, कर्माध्यक्ष है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये कर्म के तीन भेद होते हैं। एक कर्म को हम क्रियमाण कर्म कहते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है ना, उसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं, जो वर्तमान में अभी इस क्षण हो रहा है। एक कर्म संचित कर्म है, जो परमात्मा के आधार पर संचित है, जिसका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और एक कर्म प्रारब्ध कर्म है, जिसे भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है, और मात्र प्रारब्ध को ही भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह इन समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए, परमानंद को प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन, मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो प्रारब्ध उसे ही कहते हैं ना, जो शरीर का प्रारंभ करे, जो शरीर का प्रारंभ करता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध आया कहाँ से, कहाँ से आया है यह प्रारब्ध? यह प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है। उतने ही कर्म संचित कर्मों में से प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है। उतने ही कर्म संचित में से प्रारब्ध बन के मानव को प्राप्त होता है, जो शरीर का प्रारंभ करने वाला है। इस प्रकार जो ईश्वर है वो फल प्रदाता है, कर्माध्यक्ष है, कर्मों का वह स्वामी है, नियंता है, सच्चित आनंद स्वरूप वाला है, उसका अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। हमारा आपका स्वरूप सच्चित स्वरूप है, हमारा आपका जो स्वरूप है वो सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। हमारा एग्जिस्टेंस है और कॉन्शसनेस है, चेतना है। हमारे पास ये दो पदार्थ है। प्रकृति, ये जो नेचर है, ये केवल अस्तित्व वाली है, इसमें चेतना नहीं है। कार्य हो रहा है चेतन शक्ति के संयोग से। तो प्रकृति का केवल अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। तो आत्मा उस आनंद का अनुभव करना चाहती है, उस आनंद को प्राप्त करना चाहती है।
ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा वह विद्या, वह कला, वह युक्ति प्राप्त होती है कि कैसे कैसे आत्मा उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करे, कैसे जो अणु शक्ति है उस विभू शक्ति के साथ, उस व्यापक चेतना के साथ जुड़ जाए।